गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम सब जा रहे हैं बेर खाने, और बेर खाने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से मन था, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ चुका है और बेर आ चुके हैं। तो वैसे तो हम गांव में बेर खाने जाते हैं, लेकिन हमने एक जगह देखी है हमारे घर के पास, मतलब काफी एकांत, उसको एकांत कहते हैं, जगह का नाम है एकांत, हिडन प्लेस है वो, हिडन प्लेस है और काफी डरावनी जगह है वहां पे, इसीलिए हम चार लोग जा रहे हैं। देखो गाइस, ये धीरज है, वो दीपक है, हाय हाय करो, हाय करो, कुछ भी हो सकता है और वहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत डरावनी जगह है। लेकिन वहाँ पे बेर बहुत अच्छे आ रखे हैं, हम कुछ टाइम पहले गए थे तो बेर हरे या पीले थे, लेकिन अभी वो बेर लाल हो गए होंगे, उन्हीं को हम तोड़ने जा रहे हैं और खाने जा रहे हैं। और हम डंडे वंडे सब ले जा रहे हैं ताकि हमें कोई कुछ मिले, कुछ हमारे साथ दुर्घटना हो तो उसको हम मार सके। और वहाँ पर चीते भी है और वहाँ पर बाघ भी है, उनसे भी हमें बचना है और बेरों को खाना है। तो चलते हैं गाइस, हम पहुंच के आपको दिखाएंगे वो जगह। ये रास्ता है वहां का जाने का। यार कितना कितना सुनसान रास्ता है, कितना सुनसान रास्ता है। इधर भी कट है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं भी, इधर भी कट है। किधर चले, सीधे चले, सीधे चले भाई। अपन उस दिन आए थे तो यार याद नहीं आ रहा बेर कहाँ थे, अपन तो खो गए ऐसा लग रहा है। चलने दे, देखते कहाँ था, फुल पेट्रोल भाई, एकदम सुनसान भाई, ना बंदे ना बंदे की जात, ओ भाई फुल जंगल। क्या हो रहा है गाड़ी में, ओ क्या हो गया, ओ रुक क्यों रही है गाड़ी, क्या हो गया, अबे क्या हो गया, रुक रुक, अबे भाई कहाँ रुक रहा है गाड़ी भाई, अबे तुम में कौन भाग जाएगा, मैं तो नहीं जा रहा भाई, शीशे बंद करो, ये जाएगा, शीशे बंद करो भाई, शीशे बंद कर ले भाई, मजा के देखो, मजा के देखो यार, मैंने बोनट कौन खोलेगा, पीछे दो कट है, डंडा दे मेरे को, मैं बाहर निकल रहा हूं, इसको दे, बोनट खोलना, बोनट भाई, क्या सुनसान रास्ता है, हम तो बेर तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही। इसमें कोई जानवर है क्या, नहीं भाई, अंदर जाके देखिए, उधर से आवाज आ रही है, देखिए उधर, किधर उधर, हाँ तू मरवाएगा मेरे को, बोनेट बोनेट खोलना एक बार, क्या हो गया, देख गाड़ी में बोनेट नहीं खुला, यार वो गया शायद, वो जो जानवर था ना वो गया। एक बार दीपक तू बाहर जाके चेक करना बोनट खोल के, उसमें ना वो तारों को ज्वाइन कर दिया शायद, स्टार्ट हो जाएगी भाई, इसी बंदे में हिम्मत है, यही है भाई, क्या जगह है भाई, ये खींच दिया अब से नहीं आएंगे भाई इधर भाई, बेर के लिए हम तो थाल वाल सब लाए थे, बोनट तो दीपक दीपक कहाँ गया, दीपक कहाँ गया, चलो चलो भाई, चलो 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 यार, दीपक की मम्मी को क्या जवाब देंगे, मिल जाएगा वो आ जाएगा अपने आप, अगर को रास्ता तो बताइए, चलते हैं अपन, चलते हैं यहाँ से, सीधा सीधे चलना है ना अपन को, हाँ सीधे चलना है, बस उसको कुछ होना क्या हो वो ठीक हो यार, बस बहुत बेकार जगह है यार, अपन है ना अपनी जगह है यार, अपन है ना उस जगह जाके जहाँ मतलब थोड़ी पब्लिक है ना, वहाँ जाके बेर बेर तोड़ लेंगे और ले चलेंगे घर, और मुझे लगता है कि दीपक घर पहुंच जाएगा अपने आप, हम ज्यादा सोच रहे हैं, हम ज्यादा डर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है चलते
चलते हैं। और एक बार है ना गाड़ी दोबारा घुमाएंगे इधर, क्या पता दीपक इधर ही गया हो, बाथरूम गया हो। यार कहाँ रह गया दीपक यार? दीपक पीछे आ रहा है। गाड़ी रोको, कोई नहीं है, रोक रोको गाड़ी रोको भाई। तू आ गया, हमें बहुत टेंशन हो रही थी, तेरी मम्मी को क्या जवाब देते हम भाई? वो पानी दे भाई। पानी अभी हम मतलब बाहर आ चुके हैं जंगल से थोड़ा, और डंडे वंडे हमने ले लिए, मतलब यहाँ भी कोई आ जाए तो कोई हम देख सके, यहाँ तो फिर भी घर वर है तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। अब देखो गाइस, ये हैं बेर, एकदम लाल लाल बेर आ रखे हैं, खास स्वाद है। और इसने बेर की पड़ रही है, यहाँ जान निकल जाती है अभी थोड़ी देर पहले, ये बेर तोड़ते हुए सही है, मीठे नहीं है, खा जा। ये देखो बेर तोड़ रहा है, लाल लाल मिले तो मीठे लगे ना। अंदर चलते, बेर के पेड़ होंगे अंदर, अंदर चलते यार। तो यहाँ अभी कुछ खास बेर नहीं है, अंदर की तरफ देख के आएंगे बेरों को। डंडा दिया, डंडा ना तो भाई। ये देखो गाइस, ये बेर ही बेर, चलती गाड़ी में ब्रेक लगाना खत्म हो गया तब से बटो, बहुत बढ़िया। तो गाइस वहां से हम निकल आए हैं फाइनली, और बेर वेर हमने अच्छे से तोड़ लिए हैं। इसकी देखो जेब भरी है बेर से, मेरी भी जेब भरी है। और अभी यहाँ पे हम पानी की बोतल लेके बस घर चले जाएंगे, और हमारा आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। और गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको ये जगह अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, और इससे भी अच्छे बेहतरीन ब्लॉग देखने को मिलेंगे।